फेस टू डे न्यूज पेश करता है ताजा समाचार। फेस टू डे न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शाविज उसेदी। आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी की इमेज जिस तरह से डेवलप होती जा रही है, लोगों के नजरिया उनके प्रति क्या है, और खासतौर से मैं नारियों के बारे में बात करूंगा। आजकल की भारतीय नारी जो कि मजबूत है और अपने विचार आसानी से रखने में बिल्कुल समर्थ है, औरतों के यानी कि लेडीज के विचार क्या है राहुल गांधी के बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जिस तरह से आजकल राहुल गांधी की इमेज लोगों के जहन में डेवलप हो रही है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नताशा शर्मा और आज हम सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं आपको ये बताने के लिए कि क्यों हम 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि मोदी जी के राज में महिलाएं क्या, बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, बेटी को भाजपा से बचाओ। मैं आयशा गांधी राहुल जी को 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए देखना चाहती हूँ कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान है और सबके दुख दर्द को दिल से समझते हैं। मैं ज्योति चांदना राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए देखना चाहती हूँ क्योंकि वो एक युवा नेता है, नई उम्मीद, नई सोच और नई किरण के साथ सबको साथ लेकर चलने में विश्वास है। तनाव का माहौल है उसे दूर कर सकते हैं और भाईचारा और खुशहाली ला सकते हैं।